दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे कलरफुल और रंग बिरंगे पौधों के बारे में बात करूंगी जिन्हें आप कटिंग से इजीली अभी इस नवंबर और दिसंबर के मंथ क्या हर एक मंथ में ग्रो कर सकते हैं। कोई भी सीजन हो तो ये सारे पौधे वैसे इजीली लग ही जाते हैं। तो फिलहाल आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे रंग बिरंगे कलरफुल प्लांट के बारे में जो कि आपके घर के अंदर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, साथ में जो घर का एनवायरनमेंट होता है ना वो भी बहुत ही अच्छा बना रहता है। और ऐसा प्लांट अगर घर के अंदर होते तो को जैसे कि माहौल तो खुशनुमा होता ही है, साथ साथ जो हमारे स्ट्रेस होते हैं वो भी दूर होते हैं। प्लांट को देखकर दोस्तों ऐसे ही तो लगता है ना कि हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं या स्ट्रेस होते हैं सारे दूर ही हो जाते हैं। तो ये सारे प्लांट को दोस्तों अगर कटिंग से हम लगाते हैं ना तो फिलहाल लग ही जाता है। कोई भी मौसम है जैसे कि अभी नवंबर का मंथ आ गया तो लोग बहुत चुभते हैं, डरते हैं कि आप प्लांट की कटिंग लगाऊं लगे या ना लगे, लेकिन मैं बताती हूँ दोस्तों कटिंग तो आप किसी भी सीजन में भी लगाएं 100% ग्रो ही हो जाती है। तो ऐसे ही आज कुछ प्लांट के मैं नाम बताऊँगी जिन्हें आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। रंग बिरंगे प्लांट भी घर के अंदर लगने वाले पौधे यानी कि छाया में चलने वाले, क्योंकि ठंड में जितनी धूप आती नहीं तो ये सारे पौधे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहना। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को दोस्तों हमारे लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फर्स्ट पे अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कटिंग से लगाने की तो क्रोटोन फर्स्ट पे आएंगे। क्रोटोन फ्रेंड्स इनकी कई वैरायटी आती हैं और आपको ज़्यादातर क्रोटोन येलो और ग्रीन में देखने को मिलेंगे। तो क्रोटोन बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेहिचक लगा सकते हो। इनके पास छोटी सी स्टेम्प जैसे ये वाली स्टेम्प आप देख रहे हो इस तरीके से होनी चाहिए और थोड़ा सा मैच्योर, जो मतलब मैं किस तरीके से बताऊं इसमें है नहीं, फिलहाल नीचे से थोड़ी सी मैच्योर स्टेम जैसे ये वाली स्टेम्प से ये वाली इस तरीके से कटिंग लेके आप लगाएंगे तो आराम से आपकी क्रोटोन की कटिंग लग जाएगी। मेरे पास और भी क्रोटोन है, मैं भी दिखाती हूँ आपको। एक ये वाली वैरायटी है क्रोटोन की और इसमें आपको तीन कलर देखने को मिल रहे होंगे, येलो ग्रीन और थोड़ा सा मरून है यानी कि डार्क ब्राउन में है, पिंक में भी आ जाते हैं। तो आप क्रोटोन की कटिंग अभी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए फिर आपको सिंपल सा सैंड सॉइल लेना है और उसी में आपको कटिंग लगा देनी है और लंबी बना के रखिएगा, फिर कटिंग देखिए आपकी जल्दी से लग जाएगी। तो फर्स्ट पे हमारा क्रोटोन ही आता है। और नेक्स्ट अगर मैं कलरफुल प्लांट की बात करूँ तो वो हमारा एरेंथेमम। एरेंथेमम की भी दो वैरायटी आती है, एक ये वाली है जिनकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से पर्पल में रहती है, एक ग्रीन वाली है जो आप ये देख रहे हो। तो आप इनकी भी कटिंग लगा सकती हैं अभी इस अक्टूबर के मंथ में, बहुत ही खूबसूरत आपके घर में लुक देता है अगर लगाते हैं तो। और दोनों कलर अगर आपके पास होंगे तो और भी अच्छी बात है। तो आपको जो भी लगाना है आप लगा लीजिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट प्लांट है वो फ्रेंड्स हमारा डेफेनविकिया। डेफेनविकिया की कई वैरायटी आती है, कलर आपको भी डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। वैसे जो कलर आते हैं इनके वेरिएशन की वजह से आती है तो आप इन्हें ज़रूर लगाएं। इस तरीके से मेरी लीव अगर ख़राब हो रही है, आपकी भी ख़राब हुई हो तो रिमूव कर दें ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। और ये मेरे पास एक साल से है और इनकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से कुछ राउंड शेप में कुछ चौड़ी भी होती हैं। आप नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देखने को मिल जाएंगे। और प्राइस की बात तो बता दूँ कि ये लगभग आपको 80 या फिर 120 इस तरीके से मिलते हैं। जैसे प्लांट होता है उनका प्राइस होता है। इंडोर के लिए बेस्ट है आपके पास, कटिंग से इजीली लग जाएंगे इनके। आप जैसे स्टेम्स देख रहे हो इतनी छोटी छोटी, इतनी स्टेम्स लगा देंगे तब भी ये लग जाती है। तो हमारा जो टिफिन भी किया है इनको भी लगा सकते हो। और नेक्स्ट प्लांट की फ्रेंड्स बात करूँ तो हमारा ये है ड्रेशीना। ड्रेशीना की जो डोर वाली वैरायटी होती वो वाली है और आप इन्हें भी लगा सकते हो कटिंग से। वैसे मैंने कटिंग से ही लगाया है और अगर आप इसे साइड साइड से डिवाइड होते रहे वहाँ से भी डिवाइड करके लगा सकते हो। कटिंग के लगाने की बात होती तो आप छोटे से भी यहाँ से स्टेम से कटिंग ले लेंगे तो इजली लग जाएगी। और इनकी और भी एक वैरायटी है वो भी ड्रेशीना की होती है, अगर आप लगाना चाहते तो उनको भी लगा सकते हैं। और कलर आपको पर्पल कलर में मिल जाते हैं ड्रेशीना की, वो भी जो पतली वाली वैरायटी आती है उन्हें भी लगा सकते हैं। तो ड्रेशीना को भी इस टाइम पे लगा सकते हैं अक्टूबर में, और क्योंकि कलरफुल है पर्पल कलर रहते हैं अलग ही गार्डन में लुक देता है तो इंडोर के लिए बेस्ट है, आप इन्हें लगा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है
हमारे यहाँ पेंडरस का प्लांट है और ये इंडोर प्लांट है फ्रेंड्स। और मैं अगर इनकी बात करूँ फ्रेंड्स तो ये स्पाइडर प्लांट की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और कटिंग से तो नहीं, फिलहाल नीचे से इस तरीके से छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते रहते थे, यहाँ से डिवाइड करके हम डेरो प्लांट्स बना सकते हैं। आप हैंगिंग में लगाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से फाउंटेन शेप में इनका जो होता है रहता है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप इन्हें भी डिवाइड करके लगा सकते हैं, कटिंग तो नहीं बोलेंगे डिवाइड ही बोलेंगे। तो आप पेंडानस को भी लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है सो फ्रेंड्स, हमारा प्लांट है वो है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। और सॉन्ग ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, देखिए मैंने यहाँ से कटिंग ली हुई थी और जैसे कि मदर प्लांट होता है, जितना इनको हम कट करेंगे उतना ही अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। तो कटिंग लगाने के लिए हमें कट करना ही होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो अभी ये बेस्ट टाइम है, आप अक्टूबर के मंथ में इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं, डेरो प्लांट बना सकते हैं। और प्लांट अगर होंगे तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, जिसकी मैंने लास्ट वीडियो शेयर करी है प्लांट गिफ्ट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है। तो ये भी इनको भी आप कर सकते हो, इंडोर प्लांट के लिए बेस्ट है। छोटे से पॉट में लगा देंगे, आसानी से चल जाएंगे। तो आप सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी जरूर लगाइएगा कटिंग से। नेक्स्ट हमारा प्लांट है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये है रियो का प्लांट है, वेरीगेटेड वाले रियो है। तो आप इन्हें इंडोर लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से लग जाने वाला प्लांट होता है। आप चाहें तो इनको हैंगिंग बास्केट में या छोटे से पॉट में कहीं भी लगा देंगे, आसानी से चल जाएगा। बट फ्रेंड्स इनको ध्यान देना होता है कि इनको ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और ना ही इनको ज़्यादा मतलब कॉर्नर में या अंधेरी जगह पर रखना है। ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर अच्छी सी शुद्ध हवा आती जाती हो, तभी आपके प्लांट चलेंगे। आप रियो का भी लगा सकते हो कटिंग अभी इस टाइम पर। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स प्लांट है वो हमारा नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारा प्लांट है वो है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन है। और ये वेरीगेटेड वाले हैं, कलरफुल आते हैं, इनमें आपको पर्पल कलर देखने को मिल जाएंगे कुछ वाइट में। और ये आप देखो इसमें थोड़ा सा पिंकनेस है और ग्रीन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी मतलब जब विंटर टाइम आएगा तो बहुत अच्छे से इसमें कलर आएगा, तो आप इन्हें भी लगा सकते हैं। छोटी सी कटिंग लेके आसानी से लग जाएंगे, हैंगिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं। अगर आप लगाना चाहते हो तो इन्हें आप अभी लगा सकते हो, इजी टू ग्रो प्लांट है, वाइन है फिलहाल ये। तो आप इनको भी कटिंग से लगा सकते हैं, इंडोर के लिए बेस्ट प्लांट माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट प्लांट की फ्रेंड्स बात करूँ तो वो है हमारा पोथोस यानी कि मनी प्लांट। इनकी भी कई वैरायटी आती है, कलर ऐड करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी लगा सकते हो। ये तो आपको आमतौर पे मिल ही जाएगी हर जगह पे, कुछ ऐसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। हैंगिंग बास्केट में बेस्ट अगर आप इनको और भी जगहों पर लगा सकते हैं, जैसे कि इनडोर या आउटडोर। आउटडोर के लिए अगर आप लगाते हो तो सैडी प्लेस पे रखना है, नहीं तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, येलो होने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इंडोर के लिए बेस्ट है। और इनको पानी में भी लगा सकते हैं छोटी सी बोतल में, और हैंगिंग के लिए बेस्ट अगर माने तो हैंगिंग के लिए ही सही होता है। और इजी टू ग्रो प्लांट होता है, छोटी सी सिंगल लीव्स इस तरीके से लेके लगा सकते हो। देखते इस तरीके से रूट्स रहते हैं, यहाँ से कट करके आप सिंगल से कटिंग लगा देंगे ना तो आराम से लग जाएगा मनी प्लांट। तो मनी प्लांट यानी पोथोस को भी आप इंडोर कलरफुल ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में प्लांट को। नेक्स्ट हमारा प्लांट है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है डेबिल बैकबोन। तो ये भी वेरीगेटेड वाले हैं, वेरीगेटेड वाले अगर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा कलर आता है आपके गार्डन में, इंडोर गार्डन में। तो देख सकते हैं इसमें अभी पिंक कलर आ रहा है। मैं कई बार बोली हूँ कि जब ये थोड़ी सी ओल्ड लीव्स हो जाती हैं या फिर अभी जो इस टाइम चल रहा है अक्टूबर के मंथ में, तो इसमें थोड़ा सा पिंकनेस आ जाता है, बहुत ही प्यारे लगते हैं देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप इन्हें भी लगाइएगा कटिंग से, इसलिए लग जाता है, मैंने तो ढेरों सारे तैयार किए हुए हैं कटिंग से, तो आप भी लगा लीजिएगा। इनकी भी और भी वैरायटी आती है, बट ये वाली वेरीगेटेड वाली कुछ अलग ही है। आपको तीन कलर देखने को मिल जाते हैं, ग्रीन वाइट और पिंक। तो आप ये वाली वैरायटी जब भी नर्सरी से जाएं तो लेकर आएं, या फिर आपको आसपास मिल जाती है तो छोटी सी कटिंग, आप इतनी बड़ी सी कटिंग लोगे ना तो आसान से लग जाती है। तो टेबल बैकबोन को भी ज़रूर ऐड करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो रबड़ प्लांट है, ये वेरीगेटेड वाले रबड़ प्लांट है। और इनके जो आते हैं नॉर्मल वैरायटी वो ऑरेंज कलर सॉरी पर्पल कलर होते हैं, लेकिन इनकी वेरिएशन आप देख सकते हो ग्रीन येलो और थोड़ा सा क्रीमी है।
तो अगर नर्सरी में जाएंगे तो इस तरीके का आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी, थोड़ा सा महंगे मिलेंगे, बट एक बार गार्डन में आ जाएंगे तो कटिंग से हम ढेरों प्लांट बना लेंगे, तो इन्हें भी आप लगाना मत भूलिएगा वो भी कटिंग से। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स ये अरेलिया, तो अरेलिया को भी आप लगा दीजिए कटिंग से, वेरीगेटेड वाले हैं। तो अक्सर हम जब गार्डन में कोई प्लांट लेकर आते हैं तो वेरीगेटेड एक कलरफुल प्लांट लेकर आते हैं ताकि फ्लावर अगर नहीं खिलते हैं तो ये सारे प्लांट फ्लावर का काम करते हैं। और वैसे तो जितने भी प्लांट होते हैं सारी पत्तियां तो ग्रीन होती हैं, लेकिन अगर ग्रीन में कुछ अलग सा ऐड हो जाता है, पिंक वाइट या फिर येलो ऐड हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा गार्डन का लुक नज़र आता है। तो आप इन सब सारे प्लांट को कटिंग से इजली ग्रो कर सकते हैं, वो भी इंडोर प्लांट है। और सबसे अच्छी बात है ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल सॉइल में लगा दीजिएगा, एक बार पानी दे दीजिएगा, फिर हफ्तों भर पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो बस आप फ्रेंड्स कटिंग कर लगा के रखते हैं तो ध्यान रखिएगा ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही इनको किसी अंधेरे में या कोने में रखिएगा, पौधों के बीच में रखेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी कटिंग लग जाएगी। साथ साथ में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, जहाँ पर आप रख रहे हो ऐसी जगह मत रखिए कि जहाँ पर ह्यूमिडिटी हो, प्लांट ख़राब हो जाए, सड़ गल जाए, इस तरीके से नहीं करना है आपको, इतना ध्यान दीजिएगा। फिर देखिएगा आपकी कटिंग 15 दिन में अच्छे से तैयार हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लांट, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय।